मित्रों, अब ये इस कल के खुलासे के बाद में अब इस बात पर मोहर लग गई है कि कांग्रेस और करप्शन सिनोनिम्स हैं, एक ही एक दूसरे के नाम है, एक दूसरे के पर्याय हुए। और कल के खुलासे के बाद में यह भी स्पष्ट हो गया है कि क्यों कांग्रेस इधर उधर के विषयों पर वाहियात प्रश्न खड़े करके वास्तविक मुद्दों पर से देश का ध्यान भटकाना चाह रही है। अब इस बात का खुलासा हो गया है कि हवाला से प्राप्त इस धन और डिमोनेटाइजेशन के बीच में क्या संबंध था, या हवाला से प्राप्त इस तरह के धन, क्योंकि अभी तो ये केवल कुछ ही खुलासा हुआ है, इस तरह के अनेक खुलासे अभी होने बाकी हैं, इनके बीच में किस तरह का संबंध था। कल इस प्रेस वार्ता के बाद में डीके शिवकुमार साहब, जो इस पूरे हवाला कांड के किंग पिन है, उन्होंने अस्पताल से बाहर निकल करके जो प्रतिक्रिया दी है, उस प्रतिक्रिया में उन्होंने ये कहा है और उनकी प्रतिक्रिया से ये स्पष्ट हो जाता है, उनकी प्रतिक्रिया मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि बीजेपी हैज टोटली एडमिटेड देयर रोल इन फोर्सिंग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी टू टारगेट मी। ये जो जिस सहशपथ बयान का उल्लेख कल आप सब लोगों के सामने मीडिया ने जो रिपोर्ट पहले छापी थी उसके आधार पर जो तथ्य मिले थे, जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे, जो संबित पात्रा साहब ने किया था, वो 3 जुलाई 2017 को सहशपथ रिकॉर्ड हुए थे। यदि सरकार और को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के माध्यम से यदि इन आंकड़ों का खुलासा या इन बयानों का खुलासा करना होता तो सरकार 3 जुलाई से लेकर के अब तक सरकार को इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी। कर्नाटक के हुए चुनावों के समय में भी इनका उपयोग किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने ये जब तथ्य और ये दस्तावेज जब मीडिया ने अपने सूत्रों के माध्यम से उद्घाटित किए हैं, तब शिवकुमार साहब अपने बयान में उस बात का स्पष्ट करने के बजाय जो बयान सह शपथ स्वीकारोक्ति के आधार पर के तथ्यों पर आधारित हैं, अभी तो उस बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।